अस्सलाम वालेकुम, जॉब्स इंफॉर्मेशन गाइडेंस चैनल पर खुश आमदीद। नादरा ने तहसील स्टाफ ऑफिसर की आल पाकिस्तान मेल फीमेल के लिए शानदार जॉब्स का ऐलान किया है। एजुकेशन इसमें आपकी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, मास्टर या बैचलर डिग्री, और कैसी सैलरी भी दे रहे हैं आपको। ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इसी प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट की जॉब अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको बड़ा मौसूल हो सकें। तो चलते हैं जी आज की जॉब की तरफ। ये आप देख सकते हैं नेशनल डाटा बेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एप्लीकेशन राइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। ये एक प्रोजेक्ट है इनका, डिजिटल सेंसस प्रोजेक्ट में तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर आल पाकिस्तान के मल्टीपल लोकेशंस पर इसकी जॉब की अनाउंसमेंट हुई है। वैकेंसीज काफ़ी सारी हैं। आपके पास बैचलर डिग्री हो 14 ईयर को कंप्यूटर साइंस में या 16 ईयर्स हो, IT की स्ट्रॉन्ग स्किल्स आपके पास हों, 2 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। जॉब लोकेशन जो एक ही होगी आर अवेलेबल एट बिलो मेंशन नादरा वेबसाइट। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है? शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को सब इंटरव्यू के लिए कॉल के लिए बुलाया जाएगा। डेसिट कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट, प्रोफेशनल। कैंडिडेट कैन डिस्क्वालीफाइड एट एनी स्टेज। बाकी नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन है। आपने अप्लाई कैसे करना है? डेसिट कैंडिडेट में अप्लाई थ्रू नादरा वेबसाइट nadra.go.pk 15 दिन के अंदर। ठीक है जी, पोजीशन ये ठीक है एक प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा जी, वीडियो अंत तक देखिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका आपको बताऊँगा। आपने यहाँ पर निकला है गूगल में नादरा कैरियर, जो पहला जो वेबसाइट आपके सामने आएगी आपने उसको ओपन करना। फ्रंट ओपनिंग में क्लिक करना है आपके ऊपर, देख सकते हैं जिसमें आप अपनी बकायदा क्वालिफिकेशन, मेन टर्म एंड कंडीशन, जॉब डिस्क्रिप्शन सारी पढ़ सकते हैं कि जॉब किस कैटेगरी की होगी, किसमें क्या क्या कुछ होगा। ऑनलाइन अप्लाई आप 16 नवंबर 2022 तक कर सकते हैं। व्यू डिटेल्स पर आपने क्लिक करना। ठीक है जी, आप डाउट जॉब डिस्क्रिप्शन अपनी पढ़ सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं, एक्सपीरियंस देख सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। ठीक है जी, आपने जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट डिटेल, ये चार चीज़ें आपके सामने शो हो जाएंगी, चार टैब्स। वन बाय वन पहले आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन में अपनी बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी। कार्ड नंबर आपका, जेंडर आपका, फादर नेम आपका, शादी कार्ड नंबर, शादी कार्ड जो आपका इशू कब हुआ वो डेट आप यहाँ डालें। यहाँ पर आपने लोकेशन सेट करनी है कि आप किस लोकेशन में जॉब करना चाहते हैं, बलूचिस्तान, पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट जब करना है तो एजुकेशन का टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। एजुकेशन में आपने क्या करना चाहिए, ऐड योर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन बिलो स्टार्टिंग बाय लिस्टिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ, यानी कि सबसे बड़ी बली जो आपकी डिग्री है एमए की, बीए की, आपने वहाँ से शुरू करना है एमए के ऊपर, फिर बीए, फिर एफए, एफएससी में वन बाय वन सारी यहाँ पे ऐड करके आपको फिर प्रोसीजर बताता हूँ नेक्स्ट। अच्छा जी, अपने एजुकेशन मास्टर से लेके मास्टर, पहले मास्टर से शुरू करनी है, फिर या आपके पास जो हाईएस्ट एजुकेशन है फिर बिलो जीए के वन बाय वन ऐड करते जाए वहाँ पर। फिर वर्क एक्सपीरियंस में आपके पास आएंगे, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है, बस करेंगे मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का है, मैं शो कर देता हूँ। आपके पास भी वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है जी, ये करने के बाद आपने इसको ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक कर देना, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड जब एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद आपको टाइटल पूछेगा कि आपकी पोस्ट क्या है, क्या डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं। ठीक है जी, आप ये सारी डिटेल भी यहाँ पे शो करें, अपने डिपार्टमेंट का नेम बताएं, कब से कब तक काम कर रहे हैं और क्या काम आ कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, वर्क एक्सपीरियंस जैसे आपने ऐड किया तो उसके बाद आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर बताएं कि आपका फ़ोन नंबर क्या है। आपने फिनिश पे क्लिक कर देना। और आपकी ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अच्छा जी, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसी फेडरल परमिशन गवर्नमेंट की जॉब अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको बड़ा मशहूर हो सके। उसके अलावा आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।